गोल्डन टेबी टाइगर सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बड़े भी दो ही हैं, एक कराची जू में और एक मेरे पास है, और ये दुनिया की सबसे टेम फीमेल है कि मतलब आपके सामने ही है, बच्चे आपने भी गोद में लिए, तो जाहिर सी बात है ये इतनी टेम फीमेल दुनिया में नहीं है। जब बच्चे पैदा हुए थे मैं इसके रूम में ही था, इसने एक बच्चा उठा के मुझे लाके गिफ्ट में दिया है। देखिए बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया घर वाला पेट बिल्कुल भी नहीं है, इनकी एक्सटेंट है। अब जाहिर सी बात है अब जैसे मैंने इनको रखा हुआ है वाइल्ड में ये 10-12 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते। जी हम यहाँ सिम्बास किंगडम में मौजूद हैं, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर बहुत सारी वाइल्ड कैट्स हैं जिनको देखकर आम तौर पर तो आप दहशतज़दा हो जाएं, लेकिन यहाँ पे ये इतनी शरीफ और टेम्ड है कि इनके साथ उठा बैठा जा सकता है और इनके बच्चों के साथ खेला भी जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं हसन हुसैन साहब, इन्होंने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सेटअप किया है, इनसे ही बात मालूम करते हैं। हसन साहब ये शौक किस तरह का है और ये इतना मुनफरद शौक रखने के लिए आपके जहन में आइडिया कैसे आया? अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों को सबको पता है कि मेरे पास पहले था सिम्बा, तो उसी के नाम पे फार्म रखा गया है, मेरा ब्रीडिंग फार्म है, मैं इधर मतलब एनिमल्स रख रहा हूँ और इनकी ब्रीडिंग करा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लारा है, ये भी बचपन से ही पाली थी मैंने और माशाल्लाह ये पहली बार ब्रीड हुई है इधर, और माशाल्लाह इसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नया बच्चे दिए हैं, क्योंकि मेरे पास है टैबी, गोल्डन टैबी टाइगर, वो बहुत ही रेयर है दुनिया में, तो माशाल्लाह दो बच्चे उसके पैदा हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सिर्फ ये दो बच्चे हैं वाहिद पूरे पाकिस्तान में। इनको रखने का मतलब मेंटेनेंस क्या होता है, मतलब किस तरह से रखा जाता है इनकी? देखिए इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, लोग आजकल जो घरों में रख रहे हैं ये बिल्कुल घर वाला पेट नहीं है, ये इसके लिए प्रॉपर जगह, प्रॉपर फार्म, ब्रीडिंग फार्म हो। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्डन टैबी टाइगर सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बड़े भी दो ही हैं, एक कराची जू में और एक मेरे पास है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी मतलब नयाब चीज़ें रखी हुई हैं, और इनकी ये नहीं कि मतलब सिर्फ शौक में रखा हुआ है, इनकी मैं नस्ल अफजाई कर रहा हूँ, इनकी ब्रीडिंग करा रहा हूँ, इनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इनको टाइम बहुत 24 घंटे में से आप समझें कि 18-20 घंटे इनको देने ही पड़ते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। तो आप यहीं पर अपना वक्त तमाम गुजारते हैं? जी बिल्कुल, मेरा ज़्यादातर वक्त यहीं गुजरता है, जैसे अभी सुबह है मैं शाम में यहीं से जाऊँगा, इतनी टेम जब ही होती है जब आप इसको इतना टाइम दें। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इसमें इसके कितने बच्चे हैं और उन बच्चों को कितने दिन हो गए, और उनकी आपने कहा दो बच्चे हैं? नहीं माशाल्लाह गोल्डन टैबी के दो बच्चे हैं और एक इसी माँ के कलर पे गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तीन बच्चे ब्रीड हुए हैं। अच्छा उनके क्या फ़र्क बताइएगा, क्या होता है नस्ल में? अच्छा देखिए गोल्डन टैबी टाइगर मैंने आपको जैसे दिखाया था वो मेल को भी हमने अलग करते हैं जब ब्रीड होती है ना, क्योंकि मेल थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, वो दोबारा मेट करने की कोशिश होते हैं, तो महीना डेढ़ महीना मतलब मेल फीमेल को अलग रखते हैं, फिर जब बच्चे भी थोड़े बड़े हो जाते हैं गोश्त पा जाते हैं तो फिर वो एक साथ कर देते हैं। फिर अभी ये गोश्त पे नहीं है? नहीं अभी बच्चे मदर मिल्क पे ही हैं। मदर मिल्क पे? जी बिल्कुल। और ये दुनिया की सबसे टेम फीमेल है कि मतलब आपके सामने ही है कि आपने देखा होगा कि जैसे आप भी अभी इसके नाइट रूम के अंदर ही थे, तो मतलब कुछ भी नहीं कर रही थी, बच्चे आपने भी गोद में लिए, तो जाहिर सी बात है ये इतनी टेम फीमेल दुनिया में नहीं है। और जब मैं आपको बल्कि सीसीटीवी की भी वीडियो दूंगा, जब बच्चे पैदा हुए थे मैं इसके रूम में ही था, इसने एक बच्चा उठा के मुझे लाके गिफ्ट में दिया है। अच्छा मतलब ये ट्रस्ट डेवलप हो गया आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब आपको जैसे बताया इसको मैंने बचपन से ही पाला है, और अच्छा, बिल्कुल ये इतनी सी छोटी दो हफ्ते की थी उस वक्त मैं लेके आया। अच्छा, लारा क्या खाती है और क्या करती है? ये चिकन बीफ और मटन इसको मैं देता हूँ। अच्छा। और तकरीबन दिन में 7-8 किलो गोश्त खाती है। रॉ बिल्कुल या कच्चा खाती है? कच्चा खाती है, हड्डी वगैरह सब साथ इसको देता हूँ, और इसके लिए कैल्शियम टोरिन वगैरह भी इनको अलग से ऐड करके देता है। अच्छा तो इनकी वैसे इंस्टिंक्ट में होता है कि ये अटैक करते हैं? तो देखिए बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया घर वाला पेट बिल्कुल भी नहीं है, इनकी एक्सटेंट है, बिग कैट है, वाइल्ड है ये, ठीक है, तो ये इनको ये है कैप्टिविटी में। अच्छा गोल्डन टैबी टाइगर आपको जंगल में नहीं मिलेगा, ये प्योर कैप्टिविटी की ब्रीड है जैसे मैंने आपको बताया। तो अब जाहिर सी बात है अब जैसे मैंने इनको रखा हुआ है वाइल्ड में ये 10-12 साल से ज़्यादा नहीं जी पाते, क्योंकि दूसरे भी आके अटैक कर रहे होते हैं, इनको खतरा होता है। अब कैप्टिविटोरियल इश्यूज होते हैं इनके? बिल्कुल। और जब कैप्टिविटी में ये 18-20 साल तक सर्वाइव करते हैं। अच्छा जी बिल्कुल। अभी इसकी क्या उम्र है? ये माशाल्लाह 6.5 साल की है फीमेल। अच्छा 6.5 साल की है। मुझे एक कुछ कानूनी मामला भी बताएं इसके कि इनको रखने के लिए लाइसेंस कहाँ से लेना पड़ता है, और इनकी माजत के साथ लेकिन इनकी क्या कीमत क्या है, होती है मार्केट में अगर कोई ख़रीदना चाहे? देखें जैसे गोल्डन टैबी टाइगर का मैंने आपको बताया वो तकरीबन 15,000-16,000 का, अगर बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं तो 15,000-16,000 का पड़ता है। और जैसे आपको मैंने बताया लाइसेंस वगैरह होता है इनका सिंध वाइल्ड लाइफ से मिलता है, सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है ये YMCA के साथ,
सही तो है। वो भी काफ़ी कॉपरेट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास ब्रीडिंग फार्म, रिसर्च सेंटर, इन सब का लाइसेंस लिया हुआ है मैंने। अच्छा, तो ये कितना बड़ा प्रोसेस होता है और ये आराम से मिल जाता है अगर नहीं आपके पास? बिल्कुल आराम से। SOPs होती है? नहीं, देखिए इनकी SOPs ये होती है कि प्रॉपर केज होना चाहिए, डिस्प्ले बिल्कुल अलाउ नहीं होता। अच्छा। हाँ बिल्कुल, एक मतलब प्रॉपर आपकी जगह ह्यूमन इंटरेक्शन, लेमैन इंटरेक्शन नहीं होगा? नहीं बिल्कुल, मतलब वो तरीकेकार होता है उसका भी, कि मतलब हर किसी का आप वाइल्ड में, क्योंकि इनका भरोसा नहीं होता। जो भी बिग कैट्स हैं ये एज ए पेट बिल्कुल भी नहीं रखी जा सकती। तो अब जाहिर सी बात है मैंने ब्रीडिंग का पूरा एक सेटअप डाला हुआ है। अब केजेस की साइज़ होने चाहिए, तो उनकी पूरी गाइडलाइन मैंने फॉलो करने के बाद मुझे फिर वो लोग विजिट होते हैं इनके, फिर वो लाइसेंस इशू करते हैं। सेंचुरी अगर बनाते हैं तो इनकी जगह जो होती है, अब देखें आप, मैंने केजेस जो बनाए हुए हैं ये मतलब एज अ केज नहीं दिया हुआ, इनको एज अ बाउंड्री दी हुई है। सही है। जो केज बनाते हैं लोग और भी जगहों पे हैं, वो प्रॉपर केज है। अच्छा। मतलब वो जो इनकी स्टैंडर्ड साइज़ होता है वो 60x40, 60x20 इतने, मतलब जो इंटरनेशनल उसमें रखते हैं, पर मैंने उससे भी बड़े डबल साइज़ के इनको केजेस दिए हुए हैं। तो वो केज नहीं कहेंगे इनको, हमसे बाउंड्री कहेंगे कि एक बाउंड्री में इनको रखा हुआ है, कि मतलब इनको जगह करके, क्योंकि देखें साउथ अफ्रीका वगैरह में भी जो रखते हैं, जो ब्रीड प्रॉपर करा रहे हैं साउथ अफ्रीका में भी जो ब्रीडर्स हैं, तो वो भी मतलब इससे छोटी जगहों में कुछ रखते हैं, कुछ जो बड़ी सेंचुरीज हैं जिनके पास, तो अब जाहिर सी बात है वहाँ की चीज़ें यहाँ पर मतलब अभी मैसर नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट है नहीं, तो हम अपने बल पे जो करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे मैंने मतलब। आप समझते हैं कि लारा के जो तीन बच्चे हैं अभी जी, वो भी इसी जगह में सेट हो जाएंगे या आपको फिर मजीद एक्सपेंड करना जैसे पड़ेगा? मैंने आपको दिखाया है कि ये मेरे सारे जो लाइन से बने हुए ये जो पिंजरे बने हुए लाइन से मेरे, तो ये इंटरकनेक्टेड हैं सारे, तो ये मैं बीच में से दीवार हटा देता हूँ तो पूरा एक हो जाएगा पूरा ही। सही। तो जाहिर सी बात है जब जगह की मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं वो खोल देता हूँ। एक और बात बताएं, यहाँ पे वाइल्ड कैट्स कितनी हैं इस पूरी सेंचुरी में, और इसके अलावा आपके पास कौन कौन से जानवर हैं? मेरे पास काफ़ी एनिमल्स हैं, मेरे पास पाइथन्स वगैरह भी हैं, मेरे पास फिर हाइनाज हैं, और जो चीज़ें रेस्क्यू होती हैं वो भी मैं वाइल्ड लाइफ से, मेरा MOU है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ही आके मतलब वो मेरे पास रेस्क्यू करते हैं। हाइनास यहाँ पे लोकली मिलते हैं? जी बिल्कुल, जो मतलब कुछ सर्कस वाले के थे वो भी इन्होंने रेस्क्यू किए थे, तो वो मेरी जगह पे ही रखे थे, तो वो उनको फिर रिहेबिलिट करके फिर हमने उसको रिलीज़ किया जंगल में। सही है। और वाइल्ड कैट्स कितनी हैं आपके पास? मेरे पास टोटल 6 हैं। 6 हैं जी। किन किन नामों से? मेरे पास 2 वाइट लायन हैं और 2 टाइगर हैं और 2 ब्राउन लायन हैं। तो भाई ये हैं कुछ मामलात वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के और वाइल्ड कैट्स के, इनको किस तरह से रखा जाता है, इनकी देखभाल के लिए क्या क्या इंतजाम करने पड़ते हैं, ये खाते पीते क्या हैं, ये बातें आपने जानी है। लेकिन अगर आपके मजीद सवालात हैं इन वाइल्ड कैट्स के हवाले से तो प्लीज़ हमें लिख भेजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम मजीद इस तरह की कवरेज करें तो अपनी आरा से भी हमें आगाह कीजिए ARY स्टोरीज़ या ARY न्यूज़ पर। मजीद वीडियोस तक के लिए अपना ख्याल रखें।